सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रवासी भाइयों का कोई कार्यक्रम हो रहा है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मां भूमि की और मां भारती की सेवा करने वाले और हम जैसे हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे गढ़ने वाले, जिनका की उद्बोधन अभी आपने सुना, ऐसे हमारे लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय प्रकाश जी भाई साहब, हमारे बीच में हमारे पाली के सांसद सम्माननीय पीपी चौधरी साहब, जो अभी तीसरी बार सांसद बनने वाले हैं, 4 तारीख को तीसरी बार सांसद बन जाएंगे, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, और हमारे बीच में जालौर सिरोही के प्रत्याशी रहे और 4 जून को वो भी सांसद बनने वाले हैं, ऐसे सम्माननीय लुम्बा राम जी चौधरी साहब, सम्माननीय श्याम जी अग्रवाल साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, भाई संचालन कर रहे हैं इसे गोविंद जी पुरोहित साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिरोही के जिला अध्यक्ष भाई नारायण जी पुरोहित साहब, भाई नरेंद्र जी पुरोहित साहब, रतन सिंह जी राठौड़ साहब, और मेरे सामने बैठे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने परिश्रम से राजस्थान से आकर यहां जो अपना स्थान बनाया है, ऐसे सभी भाई बहनों को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप ऐसी धरती से आए हैं, ऐसे संस्कार लेकर के आए हैं, जिसने अभी नहीं, जिन्होंने अपने इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने घास की रोटी खाना मंजूर कर लिया लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे महाराणा प्रताप की धरती से आने वाले, ऐसी भक्ति की धरती से आने वाले, जो मीराबाई की भक्ति, ऐसी भक्ति की धरती से आने वाले, ऐसी त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती से आने वाले, यही नहीं मेरे भाई और बहनों, वो पर्यावरण के क्षेत्र में अपने आप को अपनी बेटियों सहित बलिदान देने वाली मां अमृता देवी की धरती से आप सभी लोग आए। आपने यहां आकर के छत्रपति शिवाजी की धरती पर आए हैं और मैंने लगातार देखा है, क्योंकि मुझे पूरे देश में
लगभग 8-10 प्रांतों में जाने का मौका और अवसर मिला है। मैंने वहां देखा है कि जो मेरे राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, वो अपने राजस्थान से कोई 1000, कोई 2000, कोई 2500 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन उन्होंने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आज भी वहां पूरी तरह से वो खुशबू फैला रखी है। ऐसे सभी भाइयों को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मैं इतना भी मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र का जो हमारा विचार है उससे जुड़े हुए हैं। आप हमेशा राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप वो संस्कारित लोग हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हमारे उन पूर्वजों ने, जिनकी धरती पर हम जी रहे हैं, उन्होंने जितना कुछ देश के लिए उस राष्ट्र के समर्पित भाव से जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम उन शूरवीरों की संतान हैं जिन्होंने हजारों सालों की गुलामी झेली, लेकिन उन गुलामी के दंश से निकलने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जिन्होंने समर्पित भाव से काम किया वो अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए काम किया था। और मैं आपसे यही अभी कहना चाहता हूं, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपको पता था, हमारे उन पूर्वजों को भी पता है कि जो आजादी हमको 1857 में मिल रही थी, छोटी सी चूक के कारण हमारे उन पूर्वजों ने 90 साल संघर्ष किया, 90 साल। और जो 1857 में आजादी मिलने वाली वो हमें 1947 में मिली। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वो 90 साल हमारे उन पूर्वजों ने कैसे निकाले होंगे, 90 साल हमारी दो दो तीन तीन पीढ़ियां उस संघर्ष में चली गई। उन्होंने आजादी के लिए कितना संघर्ष किया होगा ये जरा पीछे जाकर के देखें, 1947 से और पीछे हम 1857 तक जाएंगे, हमारे मन में क्या क्या कल्पना आएंगी कि उन्होंने उन संघर्षों से अपना जीवन व्यतीत कैसे किया होगा। मैं पीछे आपको इसलिए ले जाना चाहता हूं कि हमको 1947 में आजादी मिली, आजादी के बाद इस देश में दो धाराएं बन गई। एक तो वो लोग थे जो आजादी का लाभ लेकर के इस देश पर राज करने वाले थे, इन्होंने देश के राज के लिए इस देश को बांटने का काम किया, इस देश को बांटने का काम किया। एक तरफ वो लोग थे, वो भी उस पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन उनको लगा कि देश की दशा अर्थदशा ठीक नहीं है, तो उन्होंने उस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर के ऐसे राष्ट्रवादी लोगों का एक राजनीतिक दल बनाया। और वो राजनीतिक दल दूसरा कोई नहीं, वो जनसंघ था 21 अक्टूबर 1951 को जिसकी स्थापना हुई थी। लेकिन उनका वो मार्ग, जिस मार्ग पर इस देश को ले जाना चाहते थे और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे, उनका विजन था, उनका मिशन था, उनकी नीति ठीक थी, उनकी नीयत ठीक थी, तो आपने देखा होगा वो छोटा सा 8-10 लोगों द्वारा बनाया गया वो राजनीतिक दल, वो देश नहीं, आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। कितना संघर्ष किया था उन्होंने, उस संघर्ष से निकल करके आया, हमारे को कोई ऐसे ही नहीं मिल सकता। देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमको ऐसे ही नहीं मिला, हम पार्टी को ऐसे नहीं चलाया, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने संघर्ष किया है,
हम जनता के बीच में गए हैं, हम जनता के बीच में 365 दिन 30 दिन और 24 घंटे जनता के हित की बात करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल बना है। हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा नेता नेक है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें मौका मिला 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया, परिवर्तन लाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद क्या आपको देश में परिवर्तन दिख रहा है? देश में जो परिवर्तन हुआ है वो दिख रहा है? देश में जो इतना बड़ा परिवर्तन वो आपको दिख रहा है? मैं 2014 से पहले भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, आज दिन भ्रष्टाचार होते थे, भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा हो जाता था, चौथा भ्रष्टाचार उन तीनों से ऊपर हो जाता था। किस तरह के भ्रष्टाचार की कहानी इबादत इस देश में लिखी जाती थी, किस तरह के आतंकवाद इस देश के अंदर होते थे। आपने तो झेला है, 26/11 की घटना इसी मुंबई में हुई थी, पुणे की घटना आपको पता है, कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन पर बम फूट जाता था, कहीं किसी रेल को रोक करके उसमें और में यात्रा करने वाले उन सवारियों को उतारा जाता था, सूचना आती थी इस रेलवे में बम रखा हुआ है, कभी किसी हवाई जहाज को बीच रास्ते में मोड़ करके उतारा जाता था कि उसमें बम रखा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये आतंकी घटनाएं कितनी होती थी 2014 के बाद, कोई देखा क्या? अरे बताइए, कोई देखा हो तो? अरे एक घटना हुई थी, एक घटना हुई थी पुलवामा की, आपने देखा उसका क्या अंजाम हुआ? देखा ना आपने? अंदर घुस के मारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आपने देखा था इस तरह से तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति चलती थी, किस तरह से तुष्टिकरण होता था। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे, इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? पहला हक मुसलमानों का है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को कहते थे। कितना बड़ा तुष्टिकरण इन्होंने किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक विरासत की जो हमारे केंद्र थे उनको इन्होंने तहस नहस करने का काम किया। 2014 इसके बाद आनंद आने लगा ना, जब आपने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख करके आनंद आया कि नहीं आया? कौन कौन देख करके आए? अरे कैसा लगा आपको? पहले भी देखा होगा और अब भी देखा है। महाकाल लोक भी देखा होगा आपने, महाकाल लोक का परिवर्तन भी देखा होगा, और आपने केदारनाथ बद्रीनाथ पर जाने का सुगम रास्ता भी मेरे भाई और बहनों आपने देखा होगा। और 22 जनवरी को तो आपने जो देखा है वो सभी के सामने है, आपने नहीं पूरे दुनिया ने देखा। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक आस्था का केंद्र 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे, और रामलला एक दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम आप सभी ने देखा था। आपने देखा होगा 500 साल का वो कलंक चंद सेकंडों में सिमट के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपको धन्यवाद भी देने आया हूं कि आपने, ये लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे एक कंकड़ भी फेंका क्या? एक कंकड़ भी कश्मीर के अंदर फेंका क्या?
और आप कितनी वहां लोग जाने लग गए, पर्यटन स्थल कितने लोग जाते हैं, मैं यहां उससे कहना चाहता हूं ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का परिवर्तन आपने देखा है, और हम सभी साक्षी हैं इस बात के। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान के अंदर जब मैं संगठन में काम कर रहा था, महामंत्री था, तो हमारे प्रदेश के प्रभारी थे माननीय अरुण सिंह जी। पहली बार वो प्रभारी लगने के बाद जयपुर में आए थे, उन्होंने कहा मैं सीनियर लोगों से मिलना चाहता हूं। तो सीनियर लोगों में हमारे बीच से चले गए माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा जी। जब मैं उनसे उनको मिलाने के लिए ले गया था, जब हम उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सभी साथी चले गए, उन्होंने नाम भी बताए, बैरों सिंह जी, शेखावत साहब, ललित जी चतुर्वेदी, रघुवीर जी कौशल, हरि कुमार जी, औजत जी, दाऊदयाल जी, सभी चले गए, लेकिन मैं इसलिए बचा हूं कि मैंने नारा दिया था, मैंने नारा दिया था कि ये कश्मीर हमारा है, ये सारे का सारा है। उन्होंने नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए जिंदा हूं कि मैं मेरी आंखों के सामने बनता हुआ मंदिर में देख रहा हूं, और ये कहते हुए वो भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मित्रों, कितने ऐसे लोगों ने सपने देखे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, एक एक नहीं दो दो तीन तीन पीढ़ियां फूक गई, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 भी हटाई और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का भी काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 4 महीने पहले राजस्थान के अंदर भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बड़े बहुमत के साथ बनाई है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो आपके बीच में वायदे किए थे, हमने राजस्थान की जनता के बीच में जो वायदे किए थे, हमने उस हमारे संकल्प पत्र में से मात्र 90 दिन में 40% और 45% पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर इस तरह की कई मांग थी जो 40 और 50 साल से पूरी नहीं हो रही थी। कांग्रेस उनको लटकाने का काम कर रही थी, लेकिन देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90 दिन में उन समस्याओं का समाधान करके राजस्थान को सौगात देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी एक नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते कुछ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। लोग अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हमारे हैं, और उन कर्तव्यों का पालना करना हम सभी नागरिक का काम है। हम सारा काम करते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति भी चिंतन हमें करने की आवश्यकता है, समाज के प्रति चिंतन करने की भी हमें आवश्यकता है। और वे मैं सारी की बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी हमारी सीमा जी ने बताया, कई योजनाएं इस तरह की दी है। कभी हमारा पड़ोसी होगा, मेरे कोई मोहल्ले में होगा, मेरे अपार्टमेंट में कोई रहता होगा, उनको लाभ दिलाने का काम भी हमको करना चाहिए। हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने भी दिया, राजीव जी ने दिया,
मनमोहन सिंह जी भी दे के चले गए, सोनिया जी ने भी दिया, अब उनके लाडले भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। अरे भाई, गरीबी हटाओ का नारा क्यों दे रहे हैं आप? और आप अपने पिताजी से पूछते, अपनी माताजी से पूछे, अपनी नानी जी या दादी जी क्या उनको पूछे, लगातार वो भी नारे देते चले जा रहे हैं। भाई ये नारा कब तक देंगे? आपका कभी गरीबी से वास्ता तो नहीं रहा? मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि अगर गरीबी से नाता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप समझते हैं, कोई गरीब आदमी कोई बैंक में खाता खुलवा सकता था क्या? कोई गरीब आदमी बैंक के खाते की तो बात छोड़िए, वो बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब का खाता खुलवा करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, जो वो कटमनी काटते रहे ना, उसको बंद करने का काम किया है। आप देखते थे राजीव गांधी जी कहते थे हम एक रुपया भेजते हैं 15 पैसे गांव तक पहुंचता है, शहर तक 15 पैसे पहुंचता है। आप टिटली का रुपया भेजते थे क्या? तो वो सड़क से चल करके आता था, आधा सड़क में घिसता था 15 पैसे के बराबर रहता था, ऐसा तो नहीं होता था। क्या होता था? उसमें कटमनी लगती थी, उसमें कटमनी लगाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए उस गरीब के खाते में जाते हैं, गरीब के खाते में जाते हैं।